गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम यार, बालाज दिखाऊं? चीन ने बालाज पे अटैक किया। बालाज का ये देखो सर जख्मी कर दिया है। बालाज के आंख से थोड़ा सा बच गया था। ये जालिम है, वेट कर रहा है। यार उस दिन मुझ पे भी अटैक किया था, मेरे इधर लग गया था, मेरे भी इधर निशान बन गया था। बालाज को बहुत जोर से लगा। ख्याल करो, खुदा ना खास्ता तुम्हारे आंख पे लग जाता फिर। ये चील बहुत खतरनाक है। मेरा मोबाइल ना ले जाए, मुझसे गलती हो गई है। ब्लॉग में मैंने ध्यान नहीं रखा कि मेरा घर कहाँ है। अब सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने बच्चों को समझाएं। मेरे घर रोज रोज आते हैं यार। घर एक प्राइवेट और पर्सनल जगह होती है, लोग अपने बच्चों को मना करें। अभी विंडो से बाहर बच्चे वेट करके आवाजें लगा रहे हैं, बाहर आओ वासिद बाहर आओ। सबसे पहले पढ़ो भाई नमाज। अमीर बहुत झूठ बोल रहे हैं। अभी इसको कोई प्रमोशन मिला है कि ये क्रीम मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो रोजे में फिर से। ये इसने यूज बिल्कुल नहीं किया है गाइस। अच्छा यार मैं जा रहा हूँ शो पे, लेट हो रहा है, जल्दी से मास्क पहनूं, गाड़ी आ गई है। यार ये मास्क मैं जब पहनता हूँ मेरी आवाज आप लोग को शायद नहीं आती। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। यार जब आपके पास चेंज ना हो तो आप क्या करें? लोग मुझे कमेंट्स में आइडिया दें कि मैं क्या करूं। अब मेरे पास चेंज नहीं है, भाई के पास भी नहीं है। चेंज नहीं है तो चेंज करा लो। भाई कह रहे कमेंट्स में यही आइडिया होगा ज्यादा से ज्यादा कि चेंज करा लो। और भी आइडियाज होंगे, देखना लोग कितने आइडियाज देंगे। यार किस्मत देखो आज मैंने कुछ उठाया नहीं, अजान होगी रस्ते में, रोजा कैसे खोलूं? इधर भी खत्म हो गया यार। यार रस्ते में लोग देते हैं, इनका भी बड़ा सवाब है क्योंकि अक्सर लोग जो है टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो उनका रोजा ये लोग खुलवाते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। यार अभी किसी ने हमें खरबूज दे दी और रोजा अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया, आप जाएंगे तसल्ली से। थैंक यू माहिन। मेकअप कर लेते यार, मेकअप की क्या जरूरत है मुझे? शो स्टार्ट होने वाला है ना, अब खुद सोचो -2 हो या मेकअप हो। हाँ तुम लड़कियाँ तो -2, इसीलिए हमेशा तुम लोग ही करवाती हो, बोलते हो। खैर है मेकअप हो जाए -2 ना हो। अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप? ओ सस्ते डॉक्टर, कुछ दिन बाद ये तुम्हारा नुस्खा रिवील करने वाला हूँ। सही, मैंने वेट करना है, मैं बताऊंगा कि ये जादुई दवा में क्या डालता है। ओ यार तू तो चुप कर। डॉक्टर साहब दवा बनाओ जल्दी से, मैच शुरू होने वाला है। हमारा डॉक्टर सिर्फ नहीं है, मैकेनिक भी है। ये देखो प्लम्बर भी है। ये प्लम्बर मेरा कुर्सी भी बना। वापिस दिलो। जब तक ऑडियंस की गेम चल रही है मैं सो रहा हूँ। मैंने फयाज को बोला है मुझे जगा देना। तुम सोते रहोगे वो लोग गेम ले जाएंगे, जल्दी जाओ कुछ देखो तो। जी सुना जी जानू। वाह यार तुमने और बालाज ने सेम मेरे स्टाइल बनाया है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेंगे हम और इंशाल्लाह जीत जाएंगे। और भाई फयाज कैसे है? अरे बोल क्यों नहीं रहा? ओ सॉरी तू ये है, ओ टायर है। डॉक्टर साहब के साथ जो इस तरह करता है बिहेव। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, अब अच्छी सी दवा बनाना जीतने की। हाँ ये मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ दवा। ब्लैक में दवा 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 पी रहे हैं। बैठो उधर, तीन करते हैं, इस्लामिक करते हैं, तीन है, तीन है, तीन है। एक दो 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 तीन। यारी पीते ही सर घूम रहे, मैं दो को तीन बोल रहा हूँ। वो तो तेरा मसला है ना, ये मेरी दवाई का मसला, तो हर चीज में मेरी दवाई का मसला कर देता है। इसको भी दो, तेरा एक घूट तो 10 घूट के बराबर होगा। वो कुआ पूरी बोतल निकाल लूंगी अभी ले डकार के। अब रिलैक्स हूँ मैं, आज जीत जाएंगे इंशाल्लाह। यार अभी फिलहाल बराबर है पॉइंट्स, उम्मीद करते हैं हम जीत जाएंगे। हमारे पास इतनी जबरदस्त टीम है, ये देखिए पागल है। अपनी दवा खुद पी के पागल हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आता ये मेरा पार्ट, इन लोगों ने डॉक्टर दिया है मुझे, मैकेनिक दिया है या प्लम्बर दिया है या कोई बदमाश लुटेरा दिया। चेन देखो इसका, ये देखो ये क्या यार, कौन हो तुम? डॉक्टर हो, मैकेनिक हो, प्लम्बर हो, बदमाश हो, लफंगे हो, टपोरी हो, क्या हो तुम? ऑलराउंडर हो अपन। और यार हो गया फिर से ब्रेक और मैं हमेशा इस अपने कमरे में बंद रहता हूँ। ये हमारी टीम का ये कमरा है, क्लिनिक है ये, इसका प्लम्बर का क्लिनिक भी है।
ये देखो और मेरा ये रेस्ट गड्ढा भी है, मैं इधर हर गेम के बाद आके सो जाता हूँ। परफ्यूम चोरी कर रही है माहीन, पकड़ी गई परफ्यूम चोरी करते हुए। ये अपना डाइट कर रही है, कशिश लाती है अपने लिए, माशाल्लाह बहुत खाती है। नहीं ये खाते पीते घराने से, इसको वो वाला सॉन्ग लगेगा शिमंडी से। भाई ये मैडम यहाँ छुपी है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ यार, तुम्हें अता पता नहीं होता तुम्हारे टीममेट्स कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता होता है, तुम अभी वहाँ थे, तुमने वहाँ सेल्फी लिया है दो बंदों के साथ, फिर तुम यहाँ आके बैठा है, मेरा पूरा नजर है तुम पे। डॉक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई सेल्फी नहीं ली है तुम पे नजर। देखा देखो देख लो देख लो अभी लिए, झूठ बोल रहे नहीं लिए कोई। ये किस चीज की आवाज है? ये है रिक्शे की आवाज, मुझे लगता है अंडरटेकर रिक्शे में आने वाला है। रिक्शा, रिक्शे में। ये लाइट्स भी बंद हो गई, ओए अब अंडरटेकर आने वाला है सच में। नहीं रिक्शे में आएगा, वेस्पा रिक्शा। यार ये कशफ माशाल्लाह से खाने के बाद बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है, ये देखो छोटे छोटे बच्चियों को उठा के। ओए 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 ये देख बाइक का चौकीदार खड़ा है। ओ भाई वाह, गया गया बस गया, अब गया नहीं भाई जान, उतर ये मैं नहीं उड़ा, उठा सकता है तो उठा ले, दारी पे मेरी बाइक ले रहा है, दारी पे दारी पे मेरी बाइक ले रहा। सो गाइस हम जीत गए, ये मैं आप लोगों को एक सीक्रेट चीज दिखाने वाला हूं। देख पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, ये ठीक है, इसका मुंह बहुत आगे निकला है तेरा, बोल रहा हूँ चीर के निकल रहा है सबको। इस तरह की जवाब देते हैं यार, यार पता नहीं यार शर्म ही नहीं आता यार। नहीं तो चीर के निकल रहा हूँ। अभी आगे कौन सी टीम है सबसे ऊपर, देख कर लेना बड़ी बात, कर लेना बड़ी बात। महीन एंजॉय किया आज का मैच, जीते हम, मुबारक हो। यार आज का मैच मजा आ गया, अब जल्दी से जाता हूँ एक दो वीडियोस बनाता हूँ। ये स्टिकर तो निकाल दिया, मैं इधर लगाता हूं डॉक्टर के मुंह पे। दुपट्टे पहन लिया आप ही ने, यार बहुत अच्छी बात है, लड़कियां दुपट्टे में बहुत अच्छी लगती हैं सारी लड़कियां। गाइस ये लोग पता नहीं किसकी बिल्ली चोरी कर रहे हैं, जंगली बिल्ली है। माहीन बासित को पानी करवाना, बासित बासित को पानी करवाना, बासित बस ये बंद हो गया। मत क्या ओवर एक्टिंग कर रहे तू यार, अल्लाह हाफिज माहीन। मैं पहुंच गया घर अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार दरवाजा बंद है, लगता है एसी फिट हो गया होगा। ओहो रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा कूल है, एसी लग गया शुक्र है यार। हालांकि हम लोग यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं, 10-15 दिन थे, हम सोचा बस एसी लगवा लें जैसा भी हो यार, बगैर एसी के यार कराची के इस मौसम में बिल्कुल गुजारा नहीं है यार। यार मीर मुझे वजह समझ नहीं आती है, हम वहाँ एसी में बैठे हैं और तुम यहाँ गर्मी में अकेले बैठे हो। वजह क्या है, यहाँ अंधेरा है ना भाई, कुछ नजर नहीं आ रहा यार। तुम रोज वहाँ सोते हो बगैर एसी के? यहाँ मैं और बाला सोते थे, मीर हमारे साथ नहीं सोता था, मीर अकेले सोता था। अब जब हम वहाँ सो रहे हैं, जब एसी लगी हुई है, हमने सोफे वोफे निकाल दिए ताकि रूम थोड़ा सा खुला हो जाए, अब मीर साहब यहाँ सो रहे हैं। यार ये कौन है, क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, ये कमरा किसके खातिर मीर तुम इतनी तकलीफें बर्दाश्त करते हो? क्या मतलब मैं यहाँ सोता हूँ? इसी के साथ गाइस आज का व्लॉग खत्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच।